क्या केस है सर? 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी। जंग को 2 साल हो। वेलकम टू नोएडा जी। थैंक यू सो मच। वी आर थ्रिल्ड टू बी हियर। यहाँ आके एक अलग ही एनर्जी आ रही है, जिस तरीके से आप सब रिस्पांस दे रहे हैं। और आई मीन कल से मतलब आज दोनों दिन मतलब बैक टू बैक कल दिल्ली में थे हम, आज यहाँ पे नोएडा में आए हुए हैं। एंड यहाँ लिटरली सीरियसली जिस तरीके से थैंक यू बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। एंड आई होप आप सब लोग थिएटर जाके फिल्म भी देखें। We have seen the intense trailer and the phenomenal acting, Karthik. But the very first question, like you are working with Kabir Sir for the very first time. So how was the experience and initial reaction kya tha when Kabir Sir have approached you to play the role which was very intense, phenomenal and extraordinary? That is Chandu Champion. Sorry, तो क्वेश्चन क्या था अगेन? मैं ना सीट और मैं कबीर सर को देख के मैं भी अपनी सीट ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, मिल नहीं रहा हूँ। बट बेसिकली हाउ डिड इट फील टू यू आर वर्किंग विद कबीर सर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नाउ? यस यस यस। एंड व्हाट वाज द लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड व्हाट वाज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ योर्स व्हेन ही अप्रोच्ड यू टू पोर्ट्रे द रोल ऑफ चंदू? नहीं, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी है। और मुझे एक्चुअली लगता है कि जब हम पहली बार मिले भी थे कुछ डिसाइडेड नहीं था, पता नहीं था कि सर पिक्चर कुछ फिल्म ऑफर कर रहे हैं या हम किस लिए मिल रहे हैं। जस्ट टू नो एक्चुअली वो कई बार ऐसा होता है कि वो वाइब क्या है, मैच कर रही है कि नहीं। एक डायरेक्टर एक्टर जब कोलैबोरेट कर रहे होते हैं तो उससे पहले एटलीस्ट वो थोड़ा सा एक जानना जरूरी होता है। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगा था कि सर बस ऐसे ही मिलने के लिए मिल रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान होगा नहीं। या तो मैं जब मिला तो वी डिस्कस वी स्टार्टेड डिस्कसिंग सर्टेन थिंग्स एंड आइडियाज एंड ही एंड देन इट वेंट ऑन। मतलब वो 20-25 मिनट की मीटिंग वो 2-2.5 घंटे चली और उसमें फिर ये आइडिया भी। एंड मैं बिल्कुल मतलब मेरा सवाल यही था कि सर ये स्टोरी सच में रियल में है या ये फिक्शनल स्टोरी है? बट ही सेड कि ये सारे मतलब ये फैक्ट्स हैं और ये लिटरली सच्ची कहानी है। और तो आई वाज जस्ट कम्प्लीटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एंड आई वाज जस्ट टोटली ऑन एंड आई इमीडिएटली वांटेड टू डू द फिल्म एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द जर्नी। एंड देन या तो अंजाम क्या होगा? एंड ट्रेलर से लग रहा है द मूवी इज गोना बी रियली फैंटास्टिक। वेल कबीर सर, यू आर वन ऑफ द लेजेंडरी एंड द विजनरी डायरेक्टर, पीपल ऑलवेज वांट टू वर्क विद यू। सो मेरा ये क्वेश्चन है एक्चुअली कि there's a saying that directors have an eye for talent. So how you casted Karthik Aaryan? What came to your mind actually when he shocked you? हमें पता भी नहीं था कि ये movie offer होने वाली है. Actually, the answer is in your question. I think yes, directors do have an eye for talent, and I think more than just talent, it's also a feel for the energy of the person. That's very important. I think when as a writer director, that when I'm creating a character and an image is already formed in my mind, it's very important for me to see that energy in that actor, and that is something what I think in the course of the long meeting that Karthik just referred to, that's what I felt. He had all the elements that I needed for Chandu Champion, and I needed a lot of elements for this character. And I think I realized that yes, Karthik definitely has the raw material for to be able to play Chandu Champion, and more importantly, he has the correct energy and attitude to undertake such a journey. Chandu Champion is not a normal film. It's not a regular film that I would be making or a regular film that Karthik would be taking part in. It is, we all tend to say it's a special film. Our films, the Chandu Champion is really a special project for both of us because it took a lot from the both of us in terms of time commitment and energy. So I think the starting was that first interaction where I could see it coming together. Well, Kabir sir, मुझे by chance मिली. मैं always क्योंकि हम लोग स्टोरी टेलर्स हैं, हम कहानियां ढूंढते रहते हैं फिल्म बनाने के लिए, तो by chance किसी ने मुझे एक पुराना आर्टिकल दिया और बोला ये आपने पढ़ी है इस इंसान के बारे में। मैंने जब आर्टिकल वो पढ़ा तो मेरा पहला रिएक्शन था कि ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ है,
इतनी चीजें और इस ड्रामेटिक मैनर में एक इंसान की जिंदगी में नहीं हो सकती है, और अगर हुई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सब उनको नहीं जानते, तो इतने बड़े हीरो अगर हैं हम कैसे उनको नहीं जानते हैं। तो वहां से शुरुआत हुई और फिर काफी महीने लगे उनको ढूंढने में, किसी को पता ही नहीं था कहाँ है, ट्रूली एन अनसंग हीरो। और फिर 2-3 महीने के बाद जब हमें मिले वो, देन आई जस्ट आई मीन उसके बाद तो इट वाज नो स्टॉपिंग मी। एंड तो वो रिक्वायरमेंट था इसका बहुत, तो मेरे लिए बहुत अपहिल टास्क था टू मैच देम, एंड एंड बिकॉज कबीर सर बहुत डिटेल से वो चीजें शूट करते, तो ही वांटेड एवरीबॉडी टू बी यू नो इफ देयर इज एन एथ प्रोफेशनली ऐसे ही बोल देता हूँ। तो बेसिकली और ना इसमें ऐसी कॉमेडी थी जिसका मैं यूज टू था, तो हमेशा हर चीज बेसिकली ऑपोजिट थी जो मैंने अभी तक की है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके बीच में मैं कुछ और ना मैं कुछ कर सकता था, ना मैं कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोच सकता था। तो सारा प्रेप मोड, जब मैं 1-1.5 साल तक इसका प्रेप कर रहा था, तब भी मैं कुछ और शूट नहीं कर सकता था, मैं सिर्फ जिम ट्रेनिंग, अपना बॉक्सिंग ट्रेनिंग, अपना स्विमिंग का ट्रेनिंग, जो कि स्क्रैच से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, तो उसको टाइम लगना था, तो उस टाइम और डाइट हर चीज़ मेरा पूरा रूटीन सेट था, जिसमें मेरे 24 घंटे उसमें भी कम पड़ते थे, तो मेरे पास किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं था। एंड सो आई रियली मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है, एंड आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा मतलब ये मेरे करियर का सबसे टफेस्ट रोल है, एंड इसमें बहुत मेहनत की गई है। बस आई थिंक 14 जून को सब लोग देखने आए, और थिएटर में आई थिंक उनको ये फिल्म एंटरटेनिंग वे में इंस्पायर करके जाए, तो यही बस एक होप है। ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रोल रहा है और ये लाइफ चेंजिंग फिल्म है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस फिल्म, एंड आई जस्ट होप दैट एवरीवन सीज दिस फिल्म, एंड सब लोग थिएटर में आके इसको देखें और इन्जॉय करें। एंड बस वो मुझे एक्चुअली लगता है कि ये मेरे करियर की, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि टफेस्ट फिल्म है, टफेस्ट रोल है, और जैसा अभी तक ट्रेलर में देखे हैं या कोई भी एसेट्स पे अभी तक आपने देखा होगा, वो मेहनत तो आपको दिख रही होगी। आई जस्ट होप कि आपको वो एंटरटेन भी उतना ही करे, एंड सो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर 14th of June। एंड या मैंने एक्चुअली टाइगर का सिर्फ पहला पार्ट बनाया, एक था टाइगर, सीक्वल्स मैंने नहीं बनाए। तो कमिंग टू दिस, हाँ आई थिंक कार्तिक वॉज वेरी क्लियर, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में भी कहा था कि एक मैं जब एक्टर से मिलता हूँ और मेरी कास्टिंग डिसीजन वो एक्टर्स के पहली फिल्मों के बेसिस पे नहीं होती है, बट आई डोंट वांट टू रिपीट व्हाट द एक्टर्स ऑलरेडी डन, इसलिए यू नो इवन इफ यू सी माई पास्ट फिल्म्स, डिफरेंट एक्टर्स हैव प्लेड कैरेक्टर्स विच आर नॉट, मतलब जो पहले कर चुके हैं वो नहीं कर रहे थे। बजरंगी भाईजान में सलमान वॉज नॉट प्लेइंग एन एक्शन हीरो, इट वर्क्स फॉर मी। सिमिलरली जॉन इन न्यूयॉर्क और रणवीर इन 83। सिमिलरली फॉर कार्तिक एक्टिंग तो इनकी मैं देख चुका था, लेकिन मुझे बस ये देखना था कि जो मुझे एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चंदू चैंपियन के लिए चाहिए वो उनकी पर्सनैलिटी में जब उसका झलक आ रहा है या नहीं, और वो मुझे आया, तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ डेफिनेटली कार्तिक वुड बी एबल टू प्ले रोल, बिकॉज ऐसे यूनिक कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक्चुअली सिर्फ कार्तिक में है इस टाइम, एंड आई न्यू कि उसको एक्सप्लॉइट करना है मुझे चंदू चैंपियन के लिए, एंड दैट रियली टर्न आउट टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि आई थिंक हम दो एक जर्नी ऑफ डिस्कवरी हम दोनों के लिए साथ में थी, क्योंकि हमने क्या होता है ना कि हाथ पकड़ के आप कूद जाते हैं, एंड देन यू ग्रेजुअली डिस्कवर, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट शूटिंग द मैजिक बिगिंस टू हैपन, और वो जब मैजिक होता है वो आपको महसूस हो जाता है कि अच्छा ये अब हो रहा है, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन टू प्लेस, द यूनिवर्स कंस्पायर्स एंड एवरीथिंग बिगिंस टू फॉल इन टू प्लेस, एंड चंदू चैंपियन इज वन सच फिल्म जहां हर चीज जो हम चाहते थे वो इसी तरीके से करेक्ट प्लेस और करेक्ट पोजिशन में आके बैठ जाती थी, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो हमारे को-स्टार्स हो, या हमारे लोकेशंस हो, या जिस तरीके से हमने सीन्स सोचे थे और पेपर पे हमें बहुत वो प्रभावित करते थे, वो कुछ सीन्स शूटिंग के टाइम और आगे चले गए, और वो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कहता हूँ एक अच्छी फिल्म ये वो होती है जो अपने स्क्रिप्ट की 90% कैप्चर करती है, इसमें हमें लग रहा है कि हम 110% चले गए,
and that's why we're very happy about this. Thank you, sir. जब जिस तरीके से वो अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें जोड़ गुणा भाग करके अब वो जैसे बातें करते हैं और जो बातें करते हैं वो आई मीन आई एंजॉयड प्लेइंग दैट पोर्शन आल्सो अ लॉट द ओल्ड पार्ट एंड वी हैड फन व्हाइल शूटिंग दैट पोर्शन बिकॉज उसमें कुछ अलग ही सुर था एक जिस तरीके से वो बात कर रहा था जिस तरीके से उनकी सिचुएशंस थी वहां एंड आई रियली थिंक दैट इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म jo which is very unusual I think and also for my audience also they've not, never seen me like that to wo ek alag cheez hai uske liye bas sabse zyada jo fun part nahi tha wo ye tha uske liye mujhe 6 ghanta prosthetic ke liye jana padta tha wo prosthetic lagta tha to kabhi subah agar 10 baje ka call time hai to mujhe या मेरी टीम को 4 बजे या सुबह 3 बजे आना पड़ता था उसके लिए ताकि तब तक 9 बजे तक हम तैयार हो जाए वो पूरे गेटअप पे सो इट यूज टू टेक टाइम बट इट वाज अगेन वर्थ इट जिस तरीके से उसमें सीक्वेंसेस या वो सीन्स परफॉर्म करने का जो मौका मुझे मिला वो अनरियल एक्सपीरियंस था हाय कार्तिक राहुल जैन फ्रॉम नमोकार चैनल मेरा आपसे सवाल है कि जी बहुत मैं तो ये बताना चाहूंगा कि जब पहली बार जब मुझे सर ने कहानी सुनाई थी तो मैं बहुत एक तो शॉक था लेकिन सैड भी था कि मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी अब तक किसी को पता क्यों नहीं है ये ऐसी कहानी है जो बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए सो वो जब मैंने सुना था तो मैं रियली मैंने सीधा पहला सवाल यही पूछा था कि क्या ये ट्रू सच में ऐसा हुआ है और हमें इसके बारे में कोई खबर नहीं है सो एंड वही वो सारे फैक्ट्स हैं वो रियल स्टोरी है एंड तो जब ये ऐसा मैंने पहली बार सुनी तो मेरी रिस्पेक्ट तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड इनफैक्ट वेल प्लेइंग द रोल जब उनके लिए प्रेप कर रहा था फ्रॉम डे वन उस दिन से मुझे पता लग गया था कि ये इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है तो ऑटोमेटिकली उनके लिए मैं तो रील के लिए वो कर रहा था मैं तो मतलब एक्टिंग कर रहा था बट उन्होंने तो रियलिटी में वो जिया है तो मेरे लिए जब वो वहाँ से प्रेप मोड से गोइंग टू द सेट और फिर अभी भी यहाँ पे जब बैठा हूँ जब भी ये बात भी कर रहा हूँ तो वो सोच के मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ये इंसान ने कभी गिव अप नहीं किया द मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर ये हमारे टैगलाइन है एंड दैट इज सो एप्ट वो उनके साथ एकदम जाती है बिकॉज उन्होंने ऐसी ऐसी सिचुएशन में जब हमेशा आपको किसी को भी ऐसा लग सकता है कि नहीं यार अब गिव अप मार देते हैं उन्होंने कभी गिव अप नहीं मारा उन्होंने एक्चुअली और ज़्यादा बेटर चीज़ें की तो विच इज़ अनरियल तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरी मुरलीकांत सर के लिए एंड आई होप कि मैं मतलब मैं मेरी जितनी कोशिश रही हो उनको पोर्ट्रे करने में वो उनको अच्छी लगे हो गए तब से एक कोमा में ही है दुश्मन क्या कर रहे छोड़ो मुझे मेरे मुल्क वापस जाना है मैं डरता नहीं है दुश्मनों से हम दुश्मन नहीं है तुम हिंदुस्तान में हो मुरलीकांत पेटकर की कहानी आजाद हिंदुस्तान की कहानी है हालात ऐसे कि ये देश टिक भी पाएगा कि नहीं